सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स रिपेयर इट पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 5 अमेजिंग वेबसाइट्स जो हमारे फोटोज़ को और इन्हेंस कर देंगी। तो दोस्तों, इसमें हमारी पहली वेबसाइट है एल्गोरिथमा। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को कलर में चेंज कर देती है। तो इसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं एल्गोरिथमा नाम से, या आप मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले इस वेबसाइट को खोल कर रखा हुआ है। आप यहाँ से किसी भी फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं अपने फाइल से। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका तुरंत ये ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, फिर या तो आप यहाँ पे अपने फ़ोटो की लिंक देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस फ़ोटो को क्लिक किया हुआ है, ये कलराइज योर फ़ोटो कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ, तो दोस्तों, हमारी फ़ोटो कलराइज में चेंज होकर के आ गई है। आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो फ़ोटो को दिखा रहा है पहले ब्लैक एंड वाइट थी और ये कैसे कलर्ड होके आ गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी ब्लैक एंड वाइट पुरानी फ़ोटोज़ को कलर में चेंज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी वेबसाइट की तरफ, ऑनलाइन फ्लैग मेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी फ्लैग पे अगर हमें अपनी फ़ोटो या कुछ और हमारे ग्राफिक्स लगाने होते हैं, तो ये वेबसाइट उसी के लिए है। आप यहाँ से ले जाकर के आप चाहे अपने फ़ोटो की लिंक दे सकते हैं, या तो अपने फाइल से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे, खैर मैं अभी अपने फाइल से कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया फ़ाइल पे, फिर यहाँ से मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूँगा, तो मेरी फ़ोटोज़ यहाँ पे खुल के आ गई, जिसे मैंने अपनी इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फ्लैग में मेरी वो फ़ोटो आ गई है और ये फ्लैग उसी तरह चल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी तीसरी वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों, हमारी तीसरी वेबसाइट है वेव सिल्क। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने कुछ आर्ट्स बना सकते हैं जो कि हमारे आर्ट्स को और अच्छा बनाने में मदद करती है। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट को दोस्तों खोल दिया है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं वेव सिल्क। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ। आप ऐसे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या आप इसको यहाँ से कलर इसको चेंज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में ले जा करके बना सकते हैं, और यहाँ से पिक्चर को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये काफ़ी क्रिएटिव वेबसाइट है। आप यहाँ से किसी भी टाइप का आर्ट बना सकते हैं। अगर आप अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली वेबसाइट की तरफ। तो हमारी चौथी वेबसाइट है मीम जनरेटर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल मीम काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो आप अपना खुद का एक मीम जनरेट कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या फ़ोटोज़ आजकल मीम में ट्रेंड कर रही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी पेज मीम बनाते हैं, एट ए टाइम कोई एक फ़ोटो अगर ट्रेंड कर रही होती है, तो सभी चैनल्स पे वही फ़ोटो दिखती है। आप यहाँ पे आइए, सिंपली आप गूगल पे सर्च कर लीजिए मीम जनरेटर, या मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले से ही खोल के रखा हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे जो जो फ़ोटोज़ अभी मीम के लिए ट्रेंड हो रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको आ करके मीम अपना बना सकते हैं। यहाँ पे सारे टूल्स दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कंटेंट को राइट करना है, इसको अलाइन करना है, फिर यहाँ से आप फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे ट्रेंडिंग फ़ोटोज़ हैं वो भी दिखाता है, और इससे रिलेटेड जो जो मीम बन रहे हैं आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप, ये आपका कोई एक पेज है जो मीम को प्रमोट करता है, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारी पांचवी वेबसाइट है, ये थोड़ा फ़ोटो से अलग है, ये एक हट की वेबसाइट है। तो मैं आपको इसके बारे में आज बताना चाहूँगा। इस वेबसाइट का नाम है इंटरनेट मैप। तो दोस्तों, आप इंटरनेट मैप वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही खोल के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की जा रही हैं, आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा विजिट की जा रही है, वहाँ पे आपको सबसे बड़ा सर्किल दिखेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा सर्किल दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन फेच करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि ये क्या है, इस वेबसाइट के बारे में बताएगा।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसी उम्मीद थी, सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट गूगल ही होगी। तो ये बता रहा है कि google.com इसकी रैंक क्या है, अभी कितना चल रहा है, कितने लोग इसको विजिट कर रहे हैं, और वेबसाइट्स भी हैं, जितनी भी वेबसाइट पूरे वर्ल्ड वाइड विजिट की जा रही हैं आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जूम कर सकते हैं तो ये बताएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको जूम किया है तो यहाँ पे बता रहा है google.com सबसे ज़्यादा विजिट की जा रही है, तब फेसबुक, फिर यूट्यूब, live.com, याहू, जितनी भी वेबसाइट हैं, आप जिस भी सर्कल पर क्लिक करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये पांचों वेबसाइट्स आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वेबसाइट्स को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, हम उस पर एक एनालिसिस करके अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स प्रिपेयर इट, हैव ए नाइस डे।